नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड आलू परवल। इसके लिए हमको ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए परवल। मैंने लिया 6 परवल, 1 प्याज को छोटा पीस काट कर रखे, 2 बॉयल आलू, 5 लहसुन का कलिया, थोड़ा सा अदरक इसको कूट लेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। अब हम ये परवल को दोनों तरफ ऐसे काट लेंगे और इसका ऊपर छिलका ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह हम छिलका निकाल लेंगे, इस तरह छिलका निकालना है। सारा परवल ऐसे छील लेंगे, छीलकर इसको धो लेंगे। परवल धो लिया है, अब हम इसको बीच से ऐसे काट लगा देंगे। ऐसे काटना है और इसके अंदर जो बीज है उसको निकाल देंगे। इसको फेंगे नहीं, ऐसे रखेंगे। ये देखिए इस तरह काटना है। ये देखिए इस तरह इसका बीज निकाल लेंगे, इसके साइड में रख देंगे। इस तरह हम सारा परवल का बीज निकाल लेंगे। परवल मैंने बीज से काट कर उसका बीज निकाल दिया है। अब हम ये आलू को स्मैश कर देंगे, अच्छा से स्मैश करना है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आलू स्मैश हो चुका है। गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अब हम ये परवल का बीज इसमें डाल देंगे। और इसमें अदरक लहसुन का कूट कर रखा है इसको डाल देंगे। सेम फ्लो से मीडियम करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच से कम। पहले हम आलू में नमक डालें और इसमें मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे, अच्छा से मिक्स कर दें। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर दें, अच्छा से मिक्स करना है। फ्लेम अभी स्लो है। आलू मसाला तैयार हो चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसको एक प्लेट में निकाल देंगे।
अब हम ये पोरुअल के अंदर स्टफिंग भर लें। इस तरह इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए इस तरह भरना है। इस तरह हम सारा पोरुअल में स्टफिंग भर लेंगे। पोरुअल के अंदर मैंने स्टफिंग भर लिया है। अब हम इसको फ्राई करें। कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे, फ्लेम हाई कर देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम ये पोरुअल डाल देंगे। और इसको ढक देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम करेंगे, बीच बीच में इसे चला करेंगे। सीम में बनाएंगे। ये देखिए रोल फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। स्टफ्ड आलू परवल तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, खाइए। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।